कैसे आप लोग, उम्मीद करता दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज जो कि हम गोल्ड का फिर से फोरकास्ट करेंगे और जानेंगे कि गोल्ड में आज क्या मूवमेंट हो सकता है, गोल्ड में आज का आप कहां से सेल कर सकते हैं, कहां से आप बाय कर सकते हैं, कहां से आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और दोस्तों जो भी मैं लेवल बता रहा हूँ उन सारे लेवल को आप लोग नोट करिए, तभी दोस्तों जो कि आपको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज जो कि आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फोरकास्ट की तरफ और बताते हैं डायरेक्ट आपको कि आज गोल्ड में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। दोस्तों फोरकास्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में और फॉरेक्स फैक्ट्री में जाकर देखते हैं कि आज कौन कौन सी न्यूज़ हैं। तो दोस्तों आज जो कि है थर्सडे और थर्सडे को दोस्तों जो कि एक रात में 12 बजे न्यूज़ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था FOMC का, और जो कि आज जो कि 6 बजे एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ठीक है, तो आज कोई खास न्यूज नहीं है, ठीक है, लेकिन आज टेक्निकल जो कि काम करेगा। और दोस्तों सबसे पहले बढ़ते हैं हम कल की तरफ, कल मार्केट में क्या कुछ हुआ। कल दोस्तों आप देखेंगे तो मार्केट में दोस्तों जो कि मार्केट परसों दोस्तों मार्केट डायरेक्ट गिरी थी, लेकिन कल की अगर आप बात करेंगे तो देखेंगे तो मार्केट जो कि पूरा का पूरा उतना करेक्शन मार्केट ने आज कर लिया है। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक एक्सनेस पे अपना अकाउंट नहीं बनाया तो एक्सनेस पे अपना अकाउंट जरूर से ज़रूर बना लें और डिपॉजिट करके आप मुझे व्हाट्सअप कर दें स्क्रीनशॉट भेज के, ताकि आपको जो सिग्नल ग्रुप है उसमें ज्वाइन किया जा सके और उसमें प्रॉपर SL OTP के साथ आप दोस्तों जो कि वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो कि परसों दोस्तों मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने एक बहुत बड़ा सेलिंग कैंडल बनाया, जिसको कल मार्केट ने उसको जो कि कम्प्लीटली यहाँ पर फेल भी कर लिया है। तो बात करते हैं कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले हम जाते हैं H4 में और H4 में आप देखेंगे तो मार्केट अभी भी सेल में है। और दोस्तों अगर कल के फोरकास्ट की हम बात करते हैं तो कल दोस्तों जो कि सबसे पहले लेवल मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर आपको मार्केट मिलती है तो यहाँ पे आप लोग सेल करने का ट्राई जरूर कीजिएगा। और देखेंगे तो आप न्यूज़ पे भी यहाँ पे सेलिंग हुआ है, ठीक है, यानी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेल है, यहाँ से मार्केट गिर सकती है। तो दोस्तों अभी की अगर बात करें तो अभी भी अगर मार्केट इस एरिया में जाती है, ठीक है, 30 के आसपास में, तो आप यहां से सेल जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मार्केट यहां से गिरने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम डायरेक्ट H2 में जाते हैं और H2 में जाने के बाद देखते हैं क्या सिचुएशन बना हुआ है। ठीक है, H1 एक बार हम चले जाते हैं और H1 में जाने के बाद सारे लेवल जो भी दोस्तों मैं लेवल बता रहा हूँ इन सारे लेवल को अगर आप नोट करेंगे तो ही दोस्तों जो कि आपको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज जो कि आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जो इसमें जो सबसे बढ़िया सेलिंग जोन है, दो लेवल मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे सेलिंग का। ठीक है, एक ये लेवल पड़ा हुआ है, ठीक है, एक ये लेवल आपका पड़ा हुआ है, इस वाले लेवल को भी आप लोग नोट करके रखिएगा। अगर यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो छोटा सा SL लगा करके आपको यहाँ पर एंट्री लेना है। ठीक है, यहाँ पर एंट्री ज़रूर लेना है, यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से भी जनरेट हो सकता है। ठीक है, और उसके पहले वाला जो लेवल है वो मैंने आपको बता दिया है, इस वाले एरिया से भी आप सेल कर सकते हो। अगर ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो ऊपर की अगर हम बात करें, ऊपर की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जो कि जाने का चांस नहीं है, लेकिन अगर मार्केट इधर भी जाती है तो यहाँ से भी आप लोग सेल करने का ट्राई कीजिएगा, लेकिन यहाँ तक जाने का चांसेस उतना है नहीं, क्योंकि सेलिंग का काफ़ी ज़्यादा पोजिशन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। ठीक है, अब दोस्तों बाय बात करते हैं कि बाय आप कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय करने के लिए दोस्तों जो सबसे पहला जो मुझे बेस्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है ये वाला लेवल हो सकता है आपका बाइंग का। ठीक है, ये वाला लेवल, इस वाले लेवल से आप लोग बाय जरूर कीजिएगा, यहाँ से कम दोस्तों जो कि आपको 100 pips आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बाय करिए और इस वाले एरिया से आप लोग सेल करिए। और जो ये वाला एरिया मैंने आपको बताया है, ये वाला भी एरिया को आप जो H4 में मैंने जो लेवल बताया था उसको मैं H1 में भी आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस वाले एरिया से भी आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, यहाँ पर छोटा सा SL आपको बिल्कुल लगा कर इस वाले कैंडल के ऊपर SL लगा करके आप दोस्तों जो कि यहाँ 30 वगैरह पे SL लगा करके अपना जो कि ट्रेड को ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोग बता दूँ एक और बाइंग लेवल, तो एक और बाइंग लेवल अगर आप बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ज़्यादा आपको बाइंग देखने को मिलेगा, लेकिन जो नीचे वाला लेवल है ये एक अच्छी बाइंग लेवल होगा। अगर मार्केट अगर इसके नीचे आती है तो क्या हो सकता है, मैं वो भी लेवल आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो उन सारे लेवल को भी आप लोग नोट कर लीजिए। और दोस्तों मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अपना एक्सनेस में अकाउंट नहीं बनाया है तो एक्सनेस में अपना अकाउंट जरूर से ज़रूर बना लीजिए, ताकि आप लोग को उसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और दोस्तों मैं एक लेवल और बता दे रहा हूँ आपको, मार्केट अगर ज़्यादा नीचे आती है तो आपको ये लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये लेवल बनता है 67 से लेकर 75 के बीच में। ठीक है, इन सारे लेवल से आप लोग बाय कीजिए और ऊपर वाले लेवल से आप लोग सेल कीजिए।
मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सेल ज़्यादा ट्राई कीजिएगा, बाई कम ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ट्रेंड सेल का है। तो अगर आप बाई लेते हैं तो आपका एसएल उड़ने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है, हालांकि अगर सेल लेते हैं तो आपका एसएल उड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम होता है। तो उसको जो अभी करेंट में मार्केट जहाँ पे खड़ी है, आप यहाँ से भी आप सेल ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना है, जैसे ही इसमें मार्केट एंटर होती है आप सेल ले सकते हो, ठीक है। तो ये था दोस्तों गोल्ड का कुछ लेवल जो कि मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जो वीडियो के से लिंक दिया गया है आप जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी कुछ जो ट्रेड होता है बनता है उसको मैं भी शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।